हेलो, आइए आइए रश्मि जी, आइए आइए, आपका स्वागत है। रश्मि जी आइए। हाँ हाँ, आइए मैम सेंटर में, ताकि थोड़ा घूम। रश्मि जी, मजे। रश्मि जी ये सही मेरा साथ। हेलो, ये जाओ बाइक पाइए, बाइक पूरी बाइक पाइए बाबा। हाँ बस इतना ही। इधर अरे पीछे सर डालो यार, रोल चलो शुरू करो। आपका है मेरा पीछे। रश्मि जी कैसी हैं आप? काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो ये इफ्तार पार्टी कैसी रही थोड़ा सा और बताइए। बहुत अच्छी रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स व्हेन यू मीट योर फ्रेंड्स यू ऑलवेज फील नाइस, एंड देयर आर पीपल हुम यू डोंट मीट रेगुलरली एंड यू बम्प इनटू देम, दैट इज आल्सो ब्यूटीफुल। राइट, बट सारा के साथ थोड़ा इक्वेशन कैसा है, थोड़ा सा बताइए, फ्रेंडशिप कितनी गहरी है? सारा के साथ इक्वेशन मेरा बहुत पुराना है, बट ऑन एंड ऑफ था, बट अभी रेगुलर हो गया। आई विल से शी इज वेरी ब्यूटीफुल सोल, हर हस्बैंड इज आल्सो वेरी वेरी, दे बोथ आर वेरी एंजेलिक पर्सनालिटी। हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं तो बोथ आर लाइक दैट, and on one call she's going to be there, so you can count of her as a friend. Personally aap ramzan ya ki ye jo iftar party hai kitna enjoy karte ho? बहुत यार, इतना अच्छा अच्छा खाने मिलता है और मैं तो तगड़ी तगड़ी हो जाती हूँ, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, क्या अच्छा ही हो रहा, जो मन को अच्छा लगे वो सब अच्छा। अगर बात करें आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, तो जे एन यू में आपका एक नेगेटिव रोल देखने को मिलेगा शायद, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टोरी। आप लोग मुझे जिस किरदार में देखोगे वो किरदार की भी एक अपनी अलग कहानी है, तो आई होप यू ऑल विल एंजॉय एंड आई स्पीक टू यू इन लेंथ विद द राइट मोमेंट। इवन ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है उससे बैलेंस करना कि कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, तो आपके लिए क्या कुछ चलेगी? होता है, डर भी लगता है, बट अभी क्या करें, पसंद नहीं है, ऐसी चीज़ें आती है, मैं खुद ही डेंजरस हूँ, चीज़ें भी डेंजरस पसंद है। थैंक यू, बाय। थैंक यू, थैंक यू, बाय बेबी, सी यू। बाय रश्मि जी, चलो